ओम शांति। हम सभी भगवान की महान आत्माएं हैं और हमारा चेहरा एक सुंदर दर्पण है। उस पर यदि संतुष्टता है, उस पर यदि रूहानियत है, उस पर यदि बहुत प्रसन्नता है, तो ये तीनों चीजें सबको बहुत आकर्षित करती हैं। हम ध्यान दें, हम बाबा को पाकर संतुष्ट हुए हैं या हमारे कोई व्यर्थ संकल्प, हमारी कोई व्यर्थ की इच्छाएं, लोगों का होने वाला हमसे बुरा व्यवहार, ये कहीं हमें असंतुष्ट तो नहीं कर देता? रूहानियत की बजाय हम सारा दिन बाह्य मुक्ता में तो नहीं रहते, सारा दिन बात करते तो नहीं रहते, हमारी दृष्टि बाह्य मुखी तो नहीं है, हमारी दृष्टि आत्मा पर जाती है। हम ज्ञान का थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहते हैं या सारा दिन ज्ञान पूरी तरह से भूला रहता है, ये ध्यान रखना भी परम आवश्यक है और खुश रहना। अब ये खुशी कोई बनावटी तो है नहीं कि लाफिंग क्लब की तरह जाके जोर जोर से हंस लिया जाए, ये खुशी स्वचिंतन की खुशी है, ये खुशी ज्ञान चिंतन की खुशी है, ये खुशी ईश्वरीय प्राप्तियों की खुशी है। इन तीनों को हम बढ़ाते चलेंगे, ये तीनों हमारे जीवन में होंगी तो हम दूसरों को भी इनका दान दे सकेंगे। अगर हम बहुत हल्के हैं, अगर हम बहुत प्रसन्नचित हैं, तो यदि कोई टेंशन से भरा हुआ व्यक्ति हमारे पास आएगा तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा। हमारे वाइब्रेशन समय बहुत सुंदर बनाने हैं। आज जिस एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे वो पहले ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझ आत्मा से शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी सामने वालों पर पड़ रही है, ये होगा सभी आत्माओं को बहुत बड़ा दान और सहयोग। ये हमें पता नहीं चलेगा पर इससे उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम इस तरह सारा दिन दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। एक संकल्प कर लें, हम दाता हैं, हम मास्टर भाग्य विधाता हैं, हम पूर्वज हैं, हमारे द्वार पर जो भी आ जाए वो खाली न जाए। देना है, मुस्कान देनी है, शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, समस्याओं में उलझी हुई आत्माओं को भी सकास देकर उन्हें इससे बाहर निकालने की मदद करनी है। हमें दूसरों को सहयोग भी देना है, क्योंकि ये ऐसा समय आ गया है जहाँ चलते चलते अनेक ब्राह्मणों में भी बहुत जल्दी उमंग उत्साह समाप्त हो जाता है, आत्माएं लोनली फीलिंग में आ जाती हैं, या हल्का सा डिप्रेशन हो जाता है, या कुछ न करने की इच्छा होने लगती है। ऐसे बहुत बातें आजकल सामने आ रही हैं कि अचानक खुशी चली गई, सेवा करने की उमंग ही नहीं रही, अंदर से ही कोई सूक्ष्म संशय उभरने लगा है। इन चीजों पर बहुत ध्यान रखते हुए हमें स्वयं को इन सब चीजों से बचा के रखना है, तो विशेष उमंग में हम सारा दिन रहेंगे। विचार हमें उमंग उत्साह में रखेंगे और सुंदर विचार यही हैं, हम कौन हैं, हम पर किसकी नजर है, जिसकी नजर हम पर है उसने हमें कितना योग्य बनाया है, उसने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखकर हमें शक्तियों से सजाया है और वो हमसे महान कार्य लेना चाहता है। हम तो केवल निमित्त हैं, बाबा हम में योग्यताएं भी भर रहा है और वही हमसे काम भी लेगा। हमें तो केवल स्वयं को योग्य मात्र बनना है। हम जितना योग्य बनते जाएंगे उतना ही बाबा हमें यूज करते जाएंगे। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे,
यहाँ से ऊपर चलने का, मैं आत्मा उठ चली परम धाम, अपने खुदा दोस्त को टच किया, वाइब्रेशंस भरे फिर वापिस आ गए इस देह में, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलने लगे। ओम शांति।